मेरी मानो 2024 में अब ये बाइक वर्थलेस है। क्रेटा छपरी कार टोटली वर्थलेस है। अगर आप छपरी स्पॉटेड, छपरी को देखकर भाई एक ही बाइक ख्याल में आती है, वो भी RC 200। कौन दे देता है इन लोगों को? नो हेलमेट, नो शूज, नो ग्लव्स। हेलो गाइस, स्वागत है मेरे को नए ब्लॉग में। देखो आज का थंबनेल आपने पढ़ा ही होगा, इज दिस बाइक स्टिल वर्थ इन 2024। भाई ये जो बाइक है अभी भी देखो बहुत लोग चाहते हैं कि अभी भी इसको ख़रीदें, और इसका अलग ही देखो फैन बेस है। तो अपने फ़ैन बेस की वजह से अपने प्राइस पॉइंट पे क्या ये जस्टिफाई करती है या नहीं, तो आज की वीडियो में भाई बात करने वाले हैं। ठीक है, दूध का दूध पानी पानी करेंगे आज। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है भाई, वो सब आपको एक वर्डिक्ट दूंगा कि क्या किसको लेनी चाहिए किसको नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो वॉक अराउंड देख लो भाई एक बार, ऐसा है कुछ सीन। तो भाई खड़े खड़े बातें नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं काम पे और साथ में वीडियो भी बनाते चलेंगे। तो देखो हमारा जो इंडियन मार्केट है ना भाई साहब, वो धीरे धीरे बीते 2 सालों में बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर गया है। बीते 2 सालों में क्या, मैं इसी साल की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा भाई वेरिएशन आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट में वैरायटी आ चुकी है। 2 से 2.5 लाख के बीच में जो ये जो प्राइस पॉइंट है ना भाई, इसमें एक तरह से भीड़ हो चुकी है। पहले आपको सिर्फ 2 ही 3 गिने चुने ऑप्शन मिलते थे, R15 हो गया और MT15 हो गई, उसके बाद सीधे जो बाइकें नहीं सेल होती थी, जिनकी सेल बहुत कम थी, जैसे 150-250 हो गई, ठीक है, ये सब बाइकें मिलती थी 250cc में। और उसके अलावा 2 बाइकें और थी 200cc सेगमेंट में, NS हो गई, अपाचे 200 हो गई। तो इस प्राइस पॉइंट में भाई ये सारी बाइकें अवेलेबल थी, 2 लाख के अंदर ही मिल जाती थी। NS भी 2 लाख के अंदर ही मिल जाती थी, और आपको RTR 200 RTR भी भाई आपको 2 लाख के अंदर ही मिल जाती थी। लेकिन उस टाइम ये बाइक वर्थ लगती थी। लेकिन अब जो सीन हो रखा है, पल्सर 250, करिश्मा XMR 210 और 2-3 बाइकें और इनके आने के बाद इतनी ज़्यादा मतलब इस प्राइस पॉइंट में आपको ऑप्शन मिलने लगे ना, कि आदमी अब MT15 और R15 के लिए सोचता है ना, और सोचेगा ही क्यों, सोचेगा क्यों नहीं भाई, क्योंकि 2 लाख 2.5 लाख के बीच में आपको वे बेटर परफॉर्मेंस, वे बेटर लुक, वे बेटर परफॉर्मेंस में कोई जोड़े नहीं भाई। आदमी कब तक टॉप एंड करेगा, कब तक टॉप एंड करेगा? टॉप एंड के लिए आप ये ले रहे हैं, टॉप एंड के लिए आप R15 ले रहे हैं, तो भाई टॉप एंड में भी अब उस प्राइस रेंज में आपको सेम टॉप एंड मिल रही है। आप सेगमेंट फास्टेस्ट करिश्मा XMR भाई 210cc में आपको ऑलमोस्ट RC 200 को बीट कर देती है वो भी। तो RC 200 तो देखो भाई प्राइस पॉइंट बहुत ज़्यादा चला जाता है, 2,70,000, 2,60,000, मतलब 2.5 लाख पार चली जाती है। तो अब बात करते हैं इस बाइक की। तो भाई 150cc सेगमेंट में अगर आप कोई बाइक चाहिए, 100cc और 160cc सेगमेंट में, तो भाई आपको बहुत सारे ऑप्शन पहले भी थे और ये भी वही बहुत सारे ऑप्शन थे। छपरी को देखकर भाई एक ही बाइक ख्याल में आती है, वो भी RC 200। यार कहाँ से इन लोग को मिल जाती है यार, कौन दे देता है इन लोगों को? नो हेलमेट, नो शूज, नो ग्लव्स, एक हाथ में सामान, पतली सुकड़ी सी पर्सनैलिटी, और भाई बाल तो कलर थे ही उसके। हो हाँ, फिर आते हैं अपने भाई टॉपिक पे। तो देखो 2 लाख 2.5 लाख के बीच में भाई ये मेरी मानो 2024 में अब ये बाइक वर्थलेस है, टोटली वर्थलेस है। अगर आपको सिर्फ माइलेज बेसिस पे आपको इस प्राइस पॉइंट पे आपको कोई बाइक चाहिए तो ही आप इस पे जा सकते हैं, वरना फिर अगर आपको पावर परफॉर्मेंस लुक चाहिए तो भाई आप इसको स्किप कर दीजिए 100%। आप चले जाइए सीधा सीधा NS पे चले जाइए, N250 पे चले जाइए, करिश्मा XMR पे चले जाइए। यू कैन स्किप दिस बाइक गाइस। अंग्रेजी देखो बहुत दिन हो गए बोले और मुंह से पम्बल होता है भाई अंग्रेजी, इंग्लिश।
बाइक अगर वॉबल आपकी नहीं कर रही है हैंडल छोड़ने के बाद भी, तो समझ जाइए आपका अलाइनमेंट बहुत सही है, आगे पीछे दोनों टायर के अलाइनमेंट सही है। अगर आपके अलाइनमेंट गलत है या ख़राब है या आपके शॉकर फ्रंट सस्पेंशन में कोई प्रॉब्लम है, तो आपका हैंडल वॉबल करेगा हैंडल छोड़ने के बाद। क्रेटा छपड़ी कार दिखी, क्रेटा भाई बहुत विवाद हुआ है मेरे उस वाले क्रेटा, इस क्रेटा छपरी कार वाले में, जो मैंने शॉट डाला था, एक शॉर्ट वीडियो डाला था, उसमें बहुत विवाद हुआ था, मज़ा आ गया था। मैं बात कर रहा हूँ कार का, लोग बाइक में भाई इन्वॉल्व कर दे रहे हैं। तो अभी देखो हम लोग भाई पनकी आ चुके हैं, पनकी वाला ये ब्रिज है और पनकी रेलवे स्टेशन इसके जस्ट नीचे ही है। तो भाई अगर आप इस वीडियो में अभी भी बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हर वीडियो में बोलता हूँ भाई, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे मेरे। भाई नो हेलमेट, देखते हैं कितने लोग नो हेलमेट विदाउट हेलमेट हैं। दो लोग तो मैंने देख लिया भाई, एक KTM वाला छपरी मैंने देखा विदाउट हेलमेट, स्प्लेंडर वाले लॉर्ड स्प्लेंडर वाले चचा भी बिना हेलमेट के थे। इस क्रेटा छपरी कार देखो रॉन्ग वे में आ रहा था, दिखा लोगों को बुरा लगता है, लगे बुरा मेरे से क्या, जो छपरी है तो छपरी है। पुलिस वाले चीचा यहां से लेंगे हम लेफ्ट। भाई ये है ट्रांसपोर्ट नगर, जो जहां पे सिर्फ ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां ही खड़ी होती है। भाई देखो फीचर के हिसाब से नाम रख दिया ट्रांसपोर्ट नगर, यहां आपको सिर्फ ट्रक ही ट्रक दिखेंगी, सिर्फ ट्रक ही ट्रक, इतनी ज़्यादा ट्रकें दिखेंगी कि आपने सोची ना होगी। ज़्यादा ट्रकें जहाँ चलती हैं तो भाई फिर रोड वहाँ ख़राब ही होती है। ओ माय गॉड, कम से कम आधा फीट ऊपर है भाई साहब ये गड्ढा। तो देखो मैंने फोर सर्विस करा ली है, लेकिन भाई मैं उस पर वीडियो आधी शूट हो चुकी है, मैं उस पर काम नहीं कर पा रहा हूँ भाई, टाइम नहीं मिल पा रहा है। और मैंने इसमें यामाहा का जो रेस GP एक्सकूर का कुछ करके जो इंजन ऑयल आता है भाई, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मोटू लिक्विड मोलिन सबसे ज़्यादा भाई एक्सपेंसिव है। 1300 रुपये का भाई 1 लीटर वो इंजन ऑयल पड़ा है, और मोटोल ये सब पड़ जाता है आपको 700-800 रुपये में, आपको फुल्ली सिंथेटिक मिल जाता है, लेकिन ये भाई पड़ा है लगभग 1300 रुपये का, पूरा 1300 रुपये का। और उसके बाद से भाई इसका परफॉर्मेंस बढ़ा है नो डाउट, आपको इनिशियल में और क्रूजिंग के टाइम पता चलेगा। भाई जो वाइब्रेशंस आते थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं इस इंजन ऑयल से। भाई
अपने अपने कमेंट बताइए, क्या आप मेरे से सहमत हैं, क्या आप इस बाइक को 2024 में कंसिडर करेंगे? क्योंकि देखो ये बाइक लोगों की नज़रों में अब छपरीफाई हो चुकी है। ध्रुव राठी के अगर अंदाज में बोले तो भाई ये बाइक छपरीफाई हो चुकी है, समझे। और वीडियो को यहीं एंड करते हैं। लॉर्ड वैगनार के पीछे देखो, कुछ जो व्हीकल्स होती है ना उनके आगे लॉर्ड वर्ड डिजर्विंग लगता है, जैसे लॉर्ड स्प्लेंडर, लॉर्ड एस्प्रेसो, लॉर्ड अल्टो, लॉर्ड वैगनार। लेकिन KTM और क्रेटा के आगे भाई छपरी अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइए कि आप इस बाइक को कंसिडर करेंगे 2024 में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, जय श्री राम।